है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं कृति। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम घर पर मॉइस्चराइज़र कैसे बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक दो चीज़ों से ही अपना ये मॉइस्चराइज़र बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हम लेंगे ये कोकोनट ऑयल और ये रोज़ वाटर। मैंने ये खादी का रोज़ वाटर लिया है। आप कोई भी रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरह का रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये खादी का लिया हुआ है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा कंटेनर। मैंने इतना बड़ा कंटेनर लिया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इसमें जो क्वान्टिटी रहेगी कोकोनट ऑयल की और रोज़ वाटर की, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इसमें हम जितनी मात्रा में कोकोनट ऑयल मिक्स लेंगे, उतनी ही मात्रा में हम इसमें रोज़ वाटर भी लेंगे। इसमें मैंने इतना कोकोनट ऑयल लिया है और मैं उतनी ही मात्रा में ये रोज़ वाटर लूँगी। अब हम इसे हिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मॉइस्चराइज़र रेडी हो गया है और ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही, अगर हम नारियल का तेल अगर हम लगाते हैं तो बहुत ही स्टिकी हो जाता है हमारी स्किन पर, पूरी तरह से हमें ऑब्जॉर्ब नहीं समझ में आता है। लेकिन रोज़ वाटर मिक्स करने की वजह से ये हमारी स्किन पर पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब हो जाता है और ये कहीं से भी स्टिकी नहीं लगता है। आप इसको नॉर्मल, जैसे कि हम एक कोई मॉइस्चराइज़र आफ्टर शावर यूज़ करते हैं या फिर नाइट में सोने के वक्त यूज़ करते हैं, आप इसको उस तरह से किसी भी वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कहीं भी ऑयल है। जिस तरह से मैंने आपको बनाने के लिए बताया है, उसी तरह से आप इसको बनाइए और उसको आप यूज़ करके आप देखिए, आपको बहुत ही, और इसको लगाने के बाद ना तो स्टिकी होगा और ना ही इस, ये बहुत ही स्मूथ होगा आप इसको लगाने में। मैं इसको लगा कर भी आपको बताती हूँ। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप फेस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप पूरी स्किन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और ये पूरी बहुत अच्छी तरह से अपनी आपकी स्किन पर अब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये था हमारा घर का मॉइस्चराइज़र और इसको आप कितनी भी मात्रा में आप बना कर रख सकते हैं। इसमें इसका कुछ भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें कोई स्मेल आएगी। और हाँ, बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है इसमें। ये कोकोनट ऑयल और रोज़ वाटर जब मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसमें स्मेल आती है। तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको मैं किस तरह की रेमेडी बना कर बताऊँ। तो मैं आपको फिर से मिलती हूँ अपने नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।